नमस्कार फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। फ्रेंड्स, भारत के नए श्रम एवं रोजगार मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र जी यादव सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी फ्रेंड्स, आदरणीय सर, हम समस्त 65 प्लस ईपीएस 95 पेंशनर्स भारत से इंसाफ मांग रहे हैं। जी फ्रेंड्स, हमें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार हम समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। सर, पिछले 10 से 12 वर्षों से कई निवेदन और कई आंदोलन कर चुके हैं। देश के बुजुर्ग लोग अभी तक भारत सरकार द्वारा इतने गंभीर मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी गई, इसी बात का खेद है कि भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने ही द्वारा चुनी गई सरकारों से इंसाफ मिलना इतना पीड़ादायक कैसे हो सकता है। वह भी अपने ही हक और सम्मान से देश के ज्येष्ठ नागरिक अभी और कब तक वंचित रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सर, अब हमारी यही विनती है कि आप इस मुद्दे की जड़ में झांकें तो आपको पता चल जाएगा कि मजदूरों के साथ कितना भेदभाव हुआ है और सामाजिक सुरक्षा से भी यह ज्येष्ठ नागरिक आज तक वंचित रह गए हैं। इन सब का जिम्मेदार यह सिस्टम जो कि आज तक मजदूर विरोधी ही पाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सर, कृपया हमें अपना हक और अपना सम्मान फिर से दिलाने की कृपा करें। कृपया हमें इंसाफ दिलाकर हम बुजुर्ग पेंशनर्स को उनका बचा कुचा जीवन सम्मान से जीने का, उनका संवैधानिक हक अब उन्हें फिर से दिलाने की मेहरबानी करें। हम समस्त ईपीएस 95 65 प्लस पेंशनर्स आपके ऋणी रहेंगे।